हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फॉर यूएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कई बार अलग अलग इमेज का फॉर्मेट देखते होंगे। आप देखते होंगे कि बहुत जगह पे जेपीईजी रहता है, बहुत जगह पे जेपीजी रहता है, बहुत से जगह पे पीएनजी रहता है, बहुत जगह पे टीफ रहता है, बहुत जगह पे जो है अलग अलग का फॉर्मेट रहता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि ये अलग अलग फॉर्मेट बनाए क्यों जाते हैं और ये अलग अलग फॉर्मेट होते क्यों हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इस फॉर्मेट का क्या काम है, अलग अलग फॉर्मेट का वर्क क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इमेज को मुख्य रूप से दो फॉर्मेट में बांटा गया है, एक है वेक्टर और दूसरा है रास्टर। दोस्तों, वेक्टर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टर्म यूज़ होगा। तो दोस्तों, ये जो इस तरह के वेक्टर के ग्रुप में जितने भी इमेजेस आते हैं वो गणितीय गणना पर आधारित होते हैं। इसमें इन इमेज को पता रहता है कि किस तरह का साइज़ का फ़ोटो लेना है, इसमें वो गणना करके ली जाती है। दोस्तों, इस इमेजेस की साइज छोटी हो आप उसे बड़ा करके देखें फिर भी कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं दिखेगा। अब जो सेकेंड नंबर है दोस्तों, वो है रास्टर। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई भी इमेज जो है छोटे छोटे पिक्सल से मिल करके, लाखों पिक्सल से मिल करके एक इमेज क्रिएट करते हैं। ये सामान्यतः अनकंप्रेस्ड फाइल होते हैं और ये बड़ी फाइल साइज़ में आती है। दोस्तों, अगर रास्टर वाले इमेज को आप बड़ा या जूम करके देखते हैं, जितना जूम करेंगे उतना ही इसकी क्वालिटी जो है ख़राब होते जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फोटो के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आता है जेपीईजी, जिसका नाम है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये दोस्तों एक कंप्रेस इमेज फॉर्मेट होता है जो कि कैमरा से खींचा हुआ तस्वीर इसमें आता है। इसमें छोटे से इमेज की साइज आती है। इस तरह का जो फोटो होता है वो कहीं भी आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस ग्रुप में जो भी इमेज आते हैं उसका सबसे ख़राब ये है कि आप इस इमेज को जितने बार एडिट करेंगे तो ये क्या होगा, कंप्रेस्ड हो करके इसका फाइल जो साइज़ जो है वो क्वालिटी ख़राब कर देता है और ये धुंधला सा दिखाई देने लगता है। अब जो दोस्तों है वो है पीएनजी, जिसका नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इन इमेजेस की फाइल साइज़ जो है बहुत बड़ी होती है और इन्हें कंप्रेस करने पे भी इसका कोई क्वालिटी में कोई भी तरह का असर नहीं दिखता है। आप इसे जितने बार जो है इसको एडिट करके देखें, इसमें किसी भी तरह का आपका क्वालिटी पे असर नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें सबसे अहम बात यह है कि इन इमेजेस के बैकग्राउंड को हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों आता है वो है गिप। दोस्तों, इसमें जो है 256 रंग ही होते हैं और इसमें जो फोटो बनता है वो एनिमेट के रूप में बनता है और इसमें जो इमेजेस क्रिएट होते हैं वो लेयर्स से बनके क्रिएट होता है। इसमें इमेजेस जो है एक शॉर्ट्स वीडियो के रूप में दिखते हैं, इसलिए इसका फाइल साइज जो है थोड़ा सा छोटा होता है। अब जो दोस्तों आता है वो है टिप टैक्ट इमेज फाइल फॉर्मेट। दोस्तों, इस तरह का इमेज जो है प्रिंटिंग प्रेस में प्रसिद्ध है। इसमें जो है काफ़ी कलर्स होते हैं और इस तरह का इमेज जो है प्रिंटर वाले क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब जो दोस्तों आता है वो है बीएमपी, बिट मैप इमेज। दोस्तों, इसको विंडोज ने डेवलप किया था। इस तरह के जो इमेजेज होते हैं वो टिप इमेजेस से मिलते रहते हैं और प्रिंटिंग प्रेस वाले भी इस इमेज का जमकर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अनकंप्रेस्ड ऑप है और ये बड़ी फाइल साइज में आती है।